नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एक तरफ जहां घायल शेर ऑस्ट्रेलिया पलटवार करने के लिए तैयार है, वहीं भारतीय टीम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर रौंदने के लिए तैयार हो गई है। वनडे सीरीज में जिस तरीके से इंडियन गेंदबाजों की पिटाई हुई, उसका जवाब भारतीय टीम ने T20 में ऑस्ट्रेलिया को दे दिया और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। और अब बारी है असली टेस्ट की। जी हां, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भी नजर है और साथ ही सीरीज पर टीम इंडिया को भी ये साबित करना है कि पिछला मौका जो आपने जीता था 2018-2019 में, और जो लोग ये बात कह रहे थे कि स्मिथ और वार्नर नहीं थे इस वजह से इंडिया जीत गया, वो जो बातें कही गई थी उनका जवाब देने का समय आ गया है। लेकिन पिंक बॉल टेस्ट मैच क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इसकी महत्वता है, इस पर बात करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले 5 साल से पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल रही है और उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। अपनी कंडीशंस को वो बेहतरीन तरीके से आंकते हैं, समझते हैं, और ये टेस्ट मैच एडिलेड में हो रहा है। ये भारत के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है क्योंकि भारत ने एडिलेड में कई टेस्ट मैचेस जीते हैं, साथ ही विराट कोहली का रिकॉर्ड एडिलेड में काफी शानदार रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एडिलेड में इतना आसान नहीं होने वाला है भारतीय टीम के लिए। ड्रॉप इन विकेट यूज होगा। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं ड्रॉप इन सरफेस क्या होता है। अमूमन पहले के आप 70s या 80s के विकेट्स देखते हैं या फिर 90s या 2000s के विकेट देखते हैं तो काली मिट्टी की विकेट होती थी, वहां पर पिच तैयार की जाती थी। अब आपको बनी बनाई पिच जो है वो ग्राउंड पर लाई जाती है, सेटल की जाती है और उसके बाद उस पिच पर गेम आप खेलते हुए देख सकते हैं दोनों ही टीमों को। उस लिहाज से पिंक बॉल टेस्ट मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सिर्फ शाम का ही ध्यान नहीं देना। शाम के सेशन में आपको ये देखना है कि आपको कब डिक्लेयर करना है, कब कौन सा गेंदबाज लगाना है और अंडर फ्लड लाइट्स कौन सा गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा। आंकड़े ये बताते हैं कि नेथन लायन ने जमकर विकेटें निकाली है पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाजों का गेंद घूमता है, जब कंडीशंस अंडर लाइट्स आती हैं, शाम को गेंद थोड़ा सा लहर मारती है। पिंक बॉल कुकाबुरा का गेंद है हालांकि, लेकिन उस लिहाज से इतना आसान भी नहीं होता है कि आप गेंदबाजों को खेलें क्योंकि गेंद बड़ा तेज आता है, थोड़ा सा उठ के आता है। अमूमन भारतीय बल्लेबाज जो कि इंडियन कंडीशंस में खेलते हैं वो इस यानी कि वेस्ट हाइट के आसपास गेंद को खेलते हैं, लेकिन जब आप इसी हाइट को ऊपर कर देंगे तो इतना आसान नहीं होगा तेज गेंदबाजों के खिलाफ रन्स बनाना। वही दूसरी तरफ इस पिंक बॉल टेस्ट में कई और चीजें हैं। भारतीय स्पिनर्स का बहुत अच्छा रोल नहीं रहा है और रविचंद्रन अश्विन की अगर बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था पिछले दौरे पर भारत की तरफ से, लेकिन वो विकेटें नहीं निकाल पाए थे। लेकिन नेथन लायन की अगर आप बात करें तो नेथन लायन ने जब भारत पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो उन्होंने 18 विकेटें निकाली थी। तो कहीं ना कहीं दोनों में जो अंतर है वो ये है कि थोड़ा सा रविचंद्रन अश्विन फंस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। कुलदीप यादव को आप एक गैम्बल के थ्रू खिला सकते हैं इस मुकाबले में। कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाई है और ऑस्ट्रेलियंस का ये रिकॉर्ड रहा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत अच्छे से नहीं खेल पाते हैं। इवन रिस्ट स्पिनर सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं यहां पर। और पिछले 5 सालों में के अगर आंकड़े जो मेरे पास अभी मौजूद हैं, अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों की बात की जाए तो सिर्फ एक स्पिनर है जिसने 5 विकेट हॉल लिया है किसी टेस्ट मैच में और वो है कुलदीप यादव। और ये भी जब भारत अभी सिडनी गया था 2018-2019 के दौरे पर, तो सिडनी टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने 5 विकेटें निकाली थी, उन्हें लास्ट टेस्ट मैच में खेलने का मौका जो है वो मिला था। तो उस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होना चाहिए। गेंद थोड़ा सा फंसेगा तो नहीं, काफी तेज निकलेगा, आप यहां पर स्लिप्स में कैचेस देख सकते हैं। शाम को भी यहां पर एक स्पेल, जैसे आप अगर आप ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन विकेट देखें तो जब आप डे टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो आपको ये पता है कि भाई 50 से 60 मिनट यानी कि शुरुआती 2 घंटे अगर आपने निकाल दिए या 1 घंटा या 1.25 घंटा निकाल दिया तो फिर आप दिन भर पिटाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियंस की। लेकिन अगर आपने वहीं पर विकेटें दे दी तो वहीं पर आपका मैच पलट जाएगा। न्यू बॉल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो पिंक कुकाबुरा का गेंद है ये शाम को भी लहराती है, तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बल्लेबाज अपने सेशंस को पिक करें कि आपको किस सेशन में कितने रन्स बनाने हैं। और वहीं एडिलेड में उतने ज्यादा रन्स नहीं बनते हैं, उस लिहाज से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को फायदा यह है कि उनको ये बात पता है कि हमें सिर्फ खड़े रहना है, हमें रन्स स्कोर कर देने हैं। अगर सपोज आप अगर चौथी पारी में आपको 125-130 रन बनाने पड़ गए तो आप नहीं बना पाएंगे, जो एडिलेड के ग्राउंड का इतिहास कहता है डे नाइट टेस्ट मैचेस में, यानी कि पिंक बॉल टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए। तो उस लिहाज से ये टेस्ट मैच काफी ज्यादा अहम है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तैयारी के साथ कल के टेस्ट मैच में उतरती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।